हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला टाइम शुक्ला क्लासेस से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ एक बार फिर से फिजिक्स का एक टॉपिक लेके, 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल मैंने इसको टीच किया था 1 आवर अप्रॉक्स, बेसिक इसका हो गया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरे मित्रगण हैं, सीनियर आदरणीय बड़े भाई साहब हैं, बड़ी बहन हैं, उनसे अनुरोध है वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे जो बच्चे अभी समर में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं जेई नीट की, कोरोना की COVID-19 की वजह से घर पर स्टडी कर सके, भीड़ में ना निकलें। मेरे आपसे अनुरोध है भीड़ में ना निकलें, मास्क का यूज करें, ग्लव्स का यूज करें, सैनिटाइजर्स का यूज करें और भीड़ में बिल्कुल ना निकलें। मैं देख रहा हूं कि सहडोल में आज बहुत भयंकर भीड़ थी, लोग डेली सब्जी लेने जा रहे हैं बाकी दिनों के जैसे। तो मेरा सभी से अनुरोध है ऐसी गलती ना करें। हमारे MP में 900 केस अप्रॉक्स आ चुके हैं, सॉरी इंडिया में और MP में आ चुके हैं अप्रॉक्स 30 के आसपास। सो ऐसी भारी गलती ना करें, स्टूडेंट्स तो दूर ही रहें और बच्चों को बहुत दूर रखें। ठीक है, चलिए तो पहले स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो मैंने कल आपको टीच किया था। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ। कल मैंने बेसिक पढ़ाया था Q=ME, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये हो गया था। ठीक है, चार्ज का बेसिक फॉर्मूला होता है Q=positive negative ME। अपन ने कल चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की स्टडी करी थी। ठीक है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, आवेश अतिश राशि है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब आप लोग सभी 11th में पढ़ चुके हैं। स्केलर मीन्स होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटा मीन्स होता है होल नंबर, इंटीजर मल्टीपल, कल पढ़ा चुका हूं मैं। YouTube चैनल मेरा आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं उसमें सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। शुक्ला क्लासेस के नाम से मिल जाएगा आपको टाइम्स। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उसे प्लीज शेयर करिए। तो जो स्टूडेंट्स भी जेई और नीट की स्टडी कर रहे हैं और जो 12th गोइंग स्टूडेंट हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं लाइव वीडियोस के थ्रू। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब बनाते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज, समझेंगे। ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, बच्चों मैं अपनी नोट्स भी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा लिखाने वाला काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है। ठीक है, बहुत लंबी क्लास में कंटिन्यू नहीं ले सकता हूं, कुछ इश्यूज हैं, तो समझिएगा। ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, आवेश की SI इकाई क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, SI यूनिट, SI का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसको MKS भी बोला जाता था पहले। अब आते हैं CGS यूनिट ऑफ चार्ज। इसके टू फॉर्म्स हैं, टू स्टैंडर्ड्स हैं, ESU एंड EMU, समझेंगे अच्छे से। ESU बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ESU एंड EMU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हिंदी वाले बच्चे जो हैं ध्यान देंगे स्थैत कूलम, वैसे इंग्लिश में पढ़ना ही बेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ई
एम ई यू। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ई एम यू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई हिंदी मीडियम में, ठीक है। बट ध्यान से नोट करेंगे, ई एस यू का दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ई एम यू इज ऑल्सो नोन एज एब कूलम, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा इनका हिंदी नहीं होता है, ठीक है। स्टैट कूलम, एब कूलम, स्टैट कूलम का हिंदी है स्थैत कूलम, लेकिन एब कूलम का एब ही है, ठीक है। जहां हिंदी होता होगा मैं खुद ही करूंगा क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुआ बेसिक्स, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज में कर रहा हूं मैं, हाँ जी मैंने अब ग्रीन बोर्ड का यूज किया है, देखिएगा। इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं, इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं, इस बात को समझिए। वन कोलम इज इक्वल टू थ्री इंटू, इसको ब्लॉक कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव में, जेईई नीट में। वन कोलम इज इक्वल टू थ्री इंटू पावर नाइन ई एस यू, ई एस यू बता चुका हूं मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैट, स्टैट कोलम। वन कोलम इज इक्वल टू वन बाई टेन ई एम यू, दीज टू रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। सो आप समझेंगे इस बात को, दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन में इनका यूज होगा, आप इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखिए, रटिए मत, ध्यान से देखिए। इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि कूलम जो है ईएसयू से बहुत लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है, और जो कूलम है वो ईएमयू का 1/10 पार्ट है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, 1 EMU is equal to 10 कूलम, 10 कूलम। जो मित्रगण ऑनलाइन है प्लीज वीडियो शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। मैं डेली क्लासेस लूंगा, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मॉर्निंग इवनिंग में। चलो, घर में स्टूडेंट भी बोर होते हैं, हम भी बोर होते हैं, सो कुछ काम कर लेते हैं। सो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, चार्ज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे देन आपको आंसर मिल जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई एम यू, क्यों? क्योंकि ई एम यू कूलम से 10 टाइम्स लार्जर है, 10 गुनी बड़ी है, और कूलम ई एस यू से तो 10^9 टाइम्स बड़ी है। सो क्लियर है यहां से, ई एम यू इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ई एम यू मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। हेलो अंकित जी, रवि तिवारी जी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। कोरोना से बचिए, भीड़ से बचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ई एम यू क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज एब कूलम, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स यूनिट्स के बारे में, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ जी, अब आते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम जैसा कि 11 में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, 11 में कि ऊर्जा संरक्षित होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा था, सेम कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है, समझेंगे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम डेफिनेशन आप बच्चों अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोलूंगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी विलगित निकाय में टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम, कुल आवेश समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। मीन्स टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हिंदी में आवेश समय के साथ किसी भी निकाय का, सिस्टम का टोटल आवेश कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है, क्लियर है चीज। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब हुआ इनिशियल चार्ज ऑलवेज क्या होगा, फाइनल चार्ज के इक्वल होगा किसी भी सिस्टम का। बात समझ में आ रही है, इनिशियल चार्ज की वैल्यू जो होगी सेम होगी फाइनल चार्ज की वैल्यू, ठीक है। इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेफिनेशन, तो बहुत सिंपल है। जैसे अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, मैं थोड़ा साफ को याद दिला दूं, एनर्जी कंजर्वेशन हमने क्या पढ़ा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, किसी भी निकाय की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा हमेशा स्थिर होती है। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता था गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिमिलरली हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट चार्ज, क्लियर है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। हिंदी में इनिशियल वैल्यू ऑलवेज होगी फाइनल वैल्यू के इक्वल, इसका बहुत यूज है। आगे अपन पढ़ेंगे कंडेंसर, तो इसका डेरिवेशन मैं भी बताऊंगा, मैं कैसे यूज करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब बुक्स में तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ही हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करिए, बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो समझेंगे। बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एबोनाइट रॉड, सिल्क को रगड़ दिया गया, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। मैं कुछ फेमस एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, उसमें पहला है पेयर प्रोडक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है, युग्म उत्पादन हिंदी में बोलते हैं भाई, जिसने पेयर बना लिया बहुत अच्छी बात है, उसकी लाइफ सवर जाती है। स्टूडेंट्स को ये पता ही है कि पेयर बनाना कितना इंपॉर्टेंट जॉब है,
तो समझेंगे अब पेयर प्रोडक्शन, नाम से क्लियर है बच्चों, फिजिक्स को इंटरेस्ट लीजिए आप, यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन इसका मतलब कोई ना कोई पेयर आने वाला है, पेयर पेयर मींस जैसे आप लोग फिल्मों में डायलॉग सुनते हो, मेरे करण अर्जुन आएंगे ये पेयर हुआ, ठीक है, मेरे राम लखन आएंगे ये पेयर हुआ। तो फिजिक्स में क्या है पेयर प्रोडक्शन, एक्चुअली एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, समझेंगे। गामा रे फोटोन, फोटोन गामा रे फोटोन जो होता है, फोटोन आप पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बंडल, ऊर्जा का पैकेट, ये 11th की केमिस्ट्री में बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। फोटोन, फोटोन क्या है समझेंगे अच्छे से, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एच न्यू, 11th के केमिस्ट्री में है। जो स्टूडेंट्स ठीक से नहीं पढ़े हैं चिंता मत करिए, ये 12th की फिजिक्स में भी है, उस चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, सो वेट करिए। तो गामा रे फोटोन, फोटोन मींस होता है सिंपली एनर्जी, ठीक है, क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, रिसर्च किया गया इस पे, जब गामा रे फोटोन ब्रेक हुआ देन टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, जैसा कि नाम है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, ये तो नाम से क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है, नाम से क्लियर है कि टू पार्टिकल्स बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे, एक बनता है दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। स्टूडेंट्स मैंने प्रोटॉन नहीं बोला है, मैंने बोला है पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन हरगिज नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पॉजिट्रॉन क्लियर है ये। चलिए मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा भी सेंसिटिव टाइम चल रहा है, कोरोना का लीथल पीरियड चल रहा है, इसलिए मेरे चेहरे पर ज्यादा मुस्कान नहीं है, टेंशन भी है, डर भी है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अदरवाइज मैं थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे क्लास से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो लोड पोट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, 6 से 8 घंटे कंटिन्यू झेलते हैं मुझे, बोर नहीं होते हैं, बट अभी ऐसा टाइम नहीं है कि ज़्यादा मस्ती करूँ मैं, ठीक है। चलिए, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो टू पार्टिकल्स बने गामा रे फोटोन से, गामा किरण फोटोन से दो पार्टिकल बने, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों माना गया है, तो बता दूं आपको, फोटोन कभी भी आ जाए इस पे चार्ज कभी नहीं होता, चाहे वो अल्ट्रावायलेट फोटोन हो, गामा रे फोटोन हो, किसी भी लाइट का फोटोन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फोटोन हो। फोटोन मींस क्या होता है, क्वांटा ऑफ लाइट, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोन पर कभी चार्ज नहीं होता है, क्लियर है ये चीज। तो इनिशियल चार्ज तो जीरो था, अब यहां पे आते हैं, फाइनल चार्ज भी जीरो है, क्योंकि इन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन नेचर में ऑपोजिट होता है, ये आप सभी को याद ही होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है, तो नेट चार्ज क्या हो गया पेयर का, युग्म का, वो हो गया जीरो, क्लियर है। सो यहां से प्रूव हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ आवेश का संरक्षण,
ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक दूसरा फिनोमेना भी है और उसका नाम है एनहिलेशन। एनहिलेशन ठीक है, इसका हिंदी नाम है शून्यकरण। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं जाएगी मेरे से, मैं दोनों मीडियम में कई वर्षों से टीच कर रहा हूं, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, एनहिलेशन शून्यकरण। अब ये क्या है, एनहिलेट मतलब होता है इंग्लिश में कंबाइन होना। स्टूडेंट्स एनहिलेट मतलब होता है कंबाइन होना, ठीक है। तो जस्ट ऑपोजिट फिनोमिना है, इट इज रिवर्स, रिवर्स फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। यह युग्म उत्पादन का जस्ट ऑपोजिट है, व्युत्क्रम है, जस्ट ऑपोजिट है। हेलो अमित, अमित कुमार जुड़े हुए हैं, ये मेरे पुराने बहुत स्टूडेंट हैं, 10-12 साल हो गया इनको पढ़े हुए। कैसे हो अमित, कमेंट में जरूर लिखो क्या हाल चाल है। डॉक्टर विकास खत्री ऑनलाइन थे, अभी ऑफलाइन हो गए हैं, ये भी टाइम्स प्रोडक्ट हैं, अभी MBBS कंप्लीट हो गया इनका, PG कर रहे हैं, सैडल के फेमस डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश खत्री जी के सुपुत्र हैं। खत्री साहब के दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट थे, डॉक्टर मंजिला खत्री और विकास खत्री, सैडोल से पढ़ के ही ये MBBS में गए हैं, नीट को क्रैक किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनहिलेशन क्लियर है, जस्ट ऑपोजिट फिनोमिना है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करिए देन क्या बन जाएगा, गामा रे फोटोन। ठीक है, बिल्कुल। सो मैं ज्यादा टाइम ही लूंगा इस पे, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां भी प्रूफ है, क्लियर प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स डाउट नहीं होगा इसमें, क्लियर होगा ये, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कुछ फेमस कंसेप्ट मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q is equal to positive, negative, any similar charges repel, clear है? Each other, dissimilar charges attract, ये पढ़ा चुका हूं कल। एक समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। ठीक है, ये नेचर का रूल है, प्रकृति का रूल है, कभी पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होगा। लड़कों लड़कों में कभी अट्रैक्शन सुना है आपने, नहीं होगा। ठीक है, तो कल पढ़ा चुका हूं मैं, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कल पढ़ाया था, आवेश द्रव्यमान के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब यह है मित्रों कि जो चार्ज होता है, यदि किसी बॉडी में चार्ज है तो उसमें मास भी होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मास की होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, चार्ज होता है तो उसका मास भी होता है, प्रोटॉन में चार्ज होता है तो उसका मास भी होता है, फोटॉन्स में चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट यह है कि चार्ज ऑलवेज लिंक्ड विथ मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, इज दैट क्लियर। ठीक है, ये कुछ फेमस प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ रहा हूं मैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कंडक्शन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंडक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक से नोट करेंगे इसे, कंडक्शन ऑफ चार्जेस। हिंदी में बोलते हैं
आवेशों का संचलन या चालन, ठीक है, क्या होता है ये? सपोज करिए बॉडी ए है, दिस इज चार्ज्ड बॉडी, ये आवेशित वस्तु है, चार्ज्ड बॉडी। दूसरी वस्तु बॉडी है अनचार्ज्ड, अनावेशित वस्तु है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब दोनों को टच कर दिया, टच करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, टच करेंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान समझेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाह हो जाता है, मतलब सेम चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी में फ्लो हो जाता है और दोनों बॉडीज, यदि पहली बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी भी पॉजिटिव हो जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो फ्लो ऑफ सेम चार्ज इज नोन एज कंडक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एक समान आवेश का प्रवाह होना कंडक्शन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे भी फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है, ठीक है, कल मैं 11th के फिजिक्स में पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस टाइम्स में जाके सब्सक्राइब करेंगे, और जो मैं पढ़ा चुका हूँ मोल कॉन्सेप्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला एटसेट्रा, वेक्टर्स, उसकी स्टडी कर लेंगे तभी आपको काइनेमेटिक्स समझ में आएगा, ठीक है। क्लासेस तो अभी दो, कम से कम मुझे लग रहा है कि 1.5 मंथ या 2 मंथ पॉसिबल नहीं है स्टार्ट होना इंडिया में, क्योंकि कोरोना यदि लंबा खिंच गया, भगवान करे ऐसा ना हो, 20 डेज में हम लोग कंट्रोल हो जाएं और दुनिया बचे इस घातक बीमारी से, महामारी से। हाँ जी, चलिए, तो कंडक्शन क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट फेमस कंसेप्ट, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, आवेशों का प्रेरण, हिंदी में इंडक्शन ऑफ चार्जेस क्या है। कंडक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। सपोज करिए बॉडी ए है, इट इज पॉजिटिव, ये है, ये धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो बॉडी बी है इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसमें टच नहीं करते हैं, बार बार टच करने का प्रयास मत करना आप लोग, नहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टच करने का प्रयास ज्यादा करते हैं, ठीक है भाई, तो ज्यादा टच नहीं करना है, तो दूरी बना के चलो, वैसे भी कोरोना फैला हुआ है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है, बॉडी बी में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और बैक सरफेस में नेगेटिव चार्ज, समझेंगे, ठीक है। फ्रंट सरफेस में मैंने बोला ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऑपोजिट, बॉडी ए में पॉजिटिव है तो यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और बैक सरफेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन ऑफ चार्जेस, और स्टूडेंट्स इसको इजीली नहीं लेंगे, ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका आगे चल के कंडेंसर में यूज होने वाला है, कंडेंसर में, ठीक है। तो बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है ये, समझेंगे। मैं 10th क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, 9th अभी नहीं ले पाऊंगा स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद लूंगा, 30-45 मिनट्स में 10th क्लास लेने का प्रयास जरूर करूंगा, उसमें करंट स्टार्ट करूंगा, मेन टॉपिक्स, जिससे जो बच्चे 10th में जा रहे हैं वो घर बैठकर भी थोड़ा स्टडी कर सकें। मेरी पढ़ाने की टेक्निक ईजी है, आपको समझ में आएगा, चलिए, मुझे यहाँ की सिचुएशन पता है, शेड्यूल डिवीजन की सिचुएशन पता है स्टूडेंट्स की, काफी समय से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
13 14 ईयर्स यहाँ टीच कर रहा हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस पूरा है। चलिए इंडक्शन, ठीक है। सपोज करिए जो बॉडी बी में चार्ज इंड्यूस हुआ, बॉडी बी में उसका मैग्नीट्यूड है क्यू डैश। थ्योरी समझ में आ गई है आपको? मैं इसको थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बता के समझा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज इनिशियली, बॉडी बी हैज नो चार्ज, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम बॉडी ए में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है पहले से दिखाई पड़ रहा होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बॉडी बी में क्या होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और बैक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, वेरी सिंपल फिनोमेना। बट इसमें टच नहीं करना है, कंडक्शन में हम टच कर रहे थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसको ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बिना टच किए चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है क्या? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो सकता है, बिना टच किए भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है अनचार्ज्ड बॉडी में बाय इंडक्शन, ठीक है। सो जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसको मैं ले रहा हूं क्यू डैश इंड्यूस्ड चार्ज। अब इसका फॉर्मूला होता है क्यू डैश इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू 1 - 1/k। थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। सो क्यू डैश इज इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव क्यू इंटू 1 - 1/k, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं घबराए नहीं, इजिली पढ़ सकते हैं उससे, वो परावैद्युत स्थिरांक। क्योंकि सबसे बिग प्रॉब्लम इंडिया में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ही है, हमने तो झेला है, हम खुद हिंदी मीडियम वाले थे, इसमें कोई शर्म नहीं है अपने को, हम पहले भी नहीं शर्माते थे, हिंदी मीडियम वाले हैं भाई, उसमें कोई इशू नहीं है। इंग्लिश मीडियम होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, इंग्लिश मीडियम का मतलब ये है लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, कमर्शियल लैंग्वेज है। जो बच्चे टैलेंटेड हैं हिंदी मीडियम वाले वो ईजिली इंग्लिश सीख सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। सो क्यू डैश इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है नेगेटिव क्यू 1 - 1/k, ठीक है। अभी आप जान लीजिए वैल्यू ऑफ k 1 इन फ्री स्पेस मीन्स एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात। k इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स, धातुओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। k इज इक्वल टू एडी वन अप्रोक्स फॉर वॉटर, पानी के लिए। k क्या है थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पर आए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो हाँ जी, अब इसी में कुछ आगे कंसेप्ट भी देखते हैं अपन। सपोज करिए बोथ बॉडीज आर मेटालिक बॉडीज, सो k की वैल्यू हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। इस फॉर्मूले में पुट करिए नेगेटिव क्यू 1 - इन्फिनिटी, अनंत इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सो वी गेट क्यू डैश इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू।
यहां से क्या प्रूफ हुआ, यहां से प्रूफ हुआ इफ द बोथ बॉडीज आर मेटालिक देन बॉडी बी बिकम्स अपोजिटिवली चार्ज्ड आफ्टर इंडक्शन. बॉडी पे ए हमने पॉजिटिव ली थी, नेगेटिव क्यों का मतलब क्या है? दोनों बॉडीज यदि मेटालिक हैं, धातु के गोले हैं, धातु के बने हुए हैं, ठीक है, तो जो बॉडी बी होगी वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. बॉडी बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा. दोनों का परिमाण भी क्या होगा, सेम होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब ये कैसे होगा, कैसे होगा ये समझ. हाँ जी, समझेंगे हम. सपोज करिए बॉडी ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इंडक्शन से क्या हुआ, फ्रंट सरफेस बिकम्स अपोजिटिवली चार्ज एंड बैक सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बात समझ में आ रही है. अब यदि हमने बॉडी बी की जो बैक सरफेस है, बैक सरफेस इसकी अर्थिंग कर दी, बॉडी बी की जो बैक सरफेस है अर्थिंग कर दी. ये अर्थिंग का सिंबल है, ध्यान देंगे. हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी कृत करना, हिंदी में अर्थिंग, ठीक है. अर्थिंग करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा. एक्चुअली वो अर्थ में नहीं जाता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आके उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं. बट बुक में यही लिखा मिलेगा कि अर्थिंग करने से ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है. तब चला गया तो क्या होगा, बॉडी बी में खाली बचेगा नेगेटिव चार्ज. और स्टूडेंट्स चार्ज का नेचर होता है स्प्रेड होना, फैलना, डिस्ट्रीब्यूट होना. सो ये पूरा चार्ज बॉडी बी में फैल जाएगा एंड बॉडी बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. बॉडी बी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स ये हो गया चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लियर हो गया. ये इंडक्शन, इंडक्शन का यूज क्या होगा, अच्छा समझ लीजिएगा. इंडक्शन यूज्ड इन कंडेंसर, प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंडेंसर में यूज होगा, हिंदी मीडियम, आवेशों के प्रेरण का उपयोग संधारित्रों के सिद्धांत में किया जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. कंडेंसर, संधारित्र, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कंडेंसर, संधारित्र, ठीक है, क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो न्यूमेरिकल्स में डेली यूज होंगे फटाफट. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 कूलम, ठीक है, लेकिन सीजी इसमें जब इसको चेंज करेंगे इसका भी यूज होगा स्टूडेंट्स. 1 कूलम की वैल्यू बता चुका हूं मैं आपको, 3×10⁻⁹ ESU होती है, ठीक है. सॉल्व करेंगे इसको तो आएगी -10 ESU. ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CGS, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. मैं यहाँ पे याद दिला दूं, 11th की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा डिटेल, ठीक है. डाइपोल मोमेंट μ=Q×L, ठीक है, यहां पर इस वैल्यू का यूज हुआ था बिकॉज आप यदि बुक खोलिए ना आपको लिखा मिलेगा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिबाई. भैया डिबाई नहीं पढ़ना है,
डिबाई, देबाई मत पढ़िएगा, ठीक है, क्लियर है, डिबाई है वो, देबाई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, सेम वैल्यू होती है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ध्यान देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, −31 है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन भी होता है, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, अप्रोक्स 1837 टाइम्स प्रोटॉन लार्जर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब इसके बाद अपन आते हैं न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन में मास तो होता है और वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.678 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है। अब इसकी बात किया हो तो कुछ और बात कर देता हूं, छोटी छोटी बातें हैं। 1 amu एटॉमिक मास यूनिट 1/12 × मास ऑफ, लास्ट ईयर पढ़े थे अपन, 1 carbon atom, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है धनाधन, ये आती है, ठीक है। धीरे धीरे मैं फॉर्म में आ जाता हूं, 1.67, ठीक है। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स में केजी को एएमयू में चेंज किया जा सकता है, केजी को एएमयू में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी आप चेंज करेंगे तो अप्रोक्स आया, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, 0.000 कुछ भी कर लो, 789 amu। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट चैप्टर में आएगा, पॉइंट के बाद 30 होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसको अपन चेंज करेंगे amu में, ठीक है। अब कुछ और बातें समझ लीजिए, लास्ट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 times ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है मैंने, प्रोटॉन बोला है, प्रोटीन का बहुत यूज है फिजिक्स में। प्रोटॉन का जो मास होता है, सॉरी, जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, अल्फा को डिनोट किया जाता है 2 helium 4, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, 4 times ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 times ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 times ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, क्लियर है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब आज की इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास यहीं क्लोज कर रहा हूँ। कोरोना से बचिए, हाथ जोड़ के विनती है, भीड़ से बचिए, नहीं तो जो इटली, अमेरिका, चीन में हो रहा है वो भारत में ना हो जाए, बहुत डर भी है, और डरिए, डरना जरूरी है, डरेंगे तभी आप प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है। घर से बाहर फालतू बिल्कुल मत निकलिए, घर में टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, कुछ भी करिए, स्टडी करिए, खेलिए, लेकिन घर से बाहर फालतू मत निकलिए, किसी से बाहर, चाहे आपका सगा रिलेटिव ही क्यों ना हो, उससे भी आप हाथ मत मिलाइए, दूरी बनाइए, ठीक है। बार बार सैनिटाइजर और साबुन का यूज करिए, हैंड वॉश करिए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।